अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज जवाद और आज का जो हमारा सेशन है वो है सेटिंग अप एंड टेस्टिंग एनालिटिक्स इन योर चीकू ऐप। तो इसमें हम गूगल एनालिटिक्स कैसे सेटअप करते हैं वो पढ़ेंगे और फेसबुक पिक्सल कैसे सेटअप करेंगे और डोमेन वेरीफाइड कैसे करवाएंगे अपनी फेसबुक पर। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं गूगल एनालिटिक्स से। तो सिंपली आप गूगल पे जाके गूगल एनालिटिक्स लिखेंगे तो वहां पे आप साइन इन कर सकते हैं अपने गूगल अकाउंट से। उसके बाद जो है वो आपके पास ये इंटरफेस आ रहा होगा। तो सबसे पहले आपका अकाउंट क्रिएट होगा, उसके बाद जो है वो आपके कोड होगा वो फिर आपके चीकू ऐप में जाएगा। तो अकाउंट में आपने बिजनेस का नाम डाल देना है, जैसे मैंने यहाँ पे टी शर्ट डाल दिया। उसके बाद आपने स्क्रॉल करना है, उसके बाद इसको यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। प्रॉपर्टी सेटअप करेंगे, यहाँ पे आपने लिख करना है टी शर्ट प्रॉपर्टी लिख दें आपने। जैसे मैंने यहाँ पे टी शर्ट प्रॉपर्टी लिखा हुआ, आप अपने बिजनेस का नाम लिख सकते हैं। और फिर जो है वो आप टाइम जोन सेलेक्ट कर लें अपना, पाकिस्तान सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, करेंसी सेलेक्ट कर लें पाकिस्तानी रुपीस। अच्छा, फिर यहाँ पे शो एडवांस ऑप्शन पे आपने जाना है और यहाँ पे क्रिएट यूनिवर्सल प्रॉपर्टी लिखनी है, फिर टॉगल को ऑन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अपने अपना, तो यहाँ पे हम अपना चीकू का डोमेन नेम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने इस टॉगल पे इस ऑप्शन को ऑन रखना है, बाकी को जो है ना वो ऑफ रखना। अच्छा, यहाँ पे जो है वो HTTPS पहले से लगा हुआ है तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। आप फिर अपनी इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लें, क्या आपकी फैशन आर्ट्स एंटरटेनमेंट्स की है, गेम्स सेल करते हैं आप ऑनलाइन, जो भी ऑनलाइन सेल करते हैं उसकी जो है आप यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अदर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। अपने बिजनेस का साइज बता दें आप कि स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, वेरी लार्ज है। और यहाँ पे आपके गोल्स क्या है, कि आप क्यों यूज करना चाह रहे हैं गूगल एनालिटिक्स, वो आप थोड़ा सा बता सकते हैं। यहाँ पे किसी पे भी आप टिक लगा दें, उसका कोई इशू नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे सारी चीजों पर टिक लगा देता हूँ। ये थोड़ा सा रेलिवेंट हो गया हमारे लिए, अगर आप ऑनलाइन टी शर्ट सेल कर रहे हैं तो इनको छोड़ दें। उसके बाद आपकी अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा गूगल एनालिटिक्स का। यहाँ पे आप जो है वो इनका एग्रीमेंट वो होता है, यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टिक लगा दें और आई एक्सेप्ट। तो ये आपकी प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई है गूगल एनालिटिक्स की। अभी आपका ट्रैकिंग कोड जो आया है, ये ट्रैकिंग कोड आपने गूगल एनालिटिक्स, आपने ये गूगल एनालिटिक्स का ट्रैकिंग कोड जो है ये आप अपने चीकू ऐप में आके इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, तो हम अपने चीकू ऐप में आ गए हैं। तो चीकू ऐप में आके सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद जो है वो थोड़ा सा लोड हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, स्क्रॉल करके एनालिटिक्स में जाएंगे। एनालिटिक्स में जाके जो है ना वो आप अपने गूगल एनालिटिक्स और फेसबुक पिक्सल आईडी, डोमेन वेरिफिकेशन सब डाल सकते हैं। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि फेसबुक पिक्सल कैसे सेट करें। तो फेसबुक पिक्सल सेट करना बहुत इजी है और इसमें जो है वो आप अपने बिजनेस मैनेजर में जाएंगे, बिजनेस मैनेजर में जाके बिजनेस सेटिंग्स में चले जाएगा। बिजनेस सेटिंग्स में आने के बाद डेटा सोर्स में आके पिक्सल्स जहाँ पे लिखा हुआ है वहां पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने ऐड करना है। क्लिक करके यहाँ पे अपने बिजनेस का नाम लिखते हैं, टी शर्ट बिजनेस लिख देते हैं। टी शर्ट पिक्सल लिख देते हैं। उसके बाद अपने यूआरएल डालते हैं अपनी वेबसाइट का, जो भी है ये ऑप्शनल होता है, अगर आप नहीं भी डालें तो कोई इसका वो नहीं है, इसको नहीं डालते, छोड़ देते। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और ये हमारा पिक्सल जो है वो क्रिएट हो गया। अच्छा, आपने सिर्फ क्या करना है, अपने चीकू ऐप में जाके जो है वो ये वाली जो आईडी है ये आपने पेस्ट कर दी है कॉपी करके। अच्छा, अब जो है हम वो डोमेन वेरिफिकेशन कैसे करते हैं उस पर बात कर लेते हैं कि फेसबुक के थ्रू अपनी डोमेन वेरीफाई किस तरीके से करवाएं, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है आफ्टर iOS 14 जो फेसबुक की अपडेट आई थी।
अच्छा, हम बिजनेस, फिर दोबारा बिजनेस सेटिंग्स में जाएंगे, उसके बाद जो है वो ब्रांड सेफ्टी पे हम क्लिक करेंगे। ब्रांड सेफ्टी के बाद डोमेन पे जाएंगे। आने के बाद यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद अपने जो चीकू का यूआरएल है वो आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, और ये सारी चीजें आप हटा दें जो इससे पहले आ रही है, ये स्लैश भी हटा देते हैं। उसके बाद ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपका ये ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अच्छा, अब आपने जो है ना ये जो मेटा टैग जो दिया हुआ है ना, ये आपने कॉपी करना है और इसको आप जो है वो यहाँ पे पेस्ट करें। सबसे पहले जो इन्वर्टेड कॉमास के बाद से पहले वाला जो वो है ना, इन्वर्टेड कॉमास से पहले वाली जो जो भी कुछ लिखा हुआ है वो आप यहाँ से रिमूव कर दें, और इसके बाद भी जो लिखा हुआ है ना वो रिमूव कर दें। सिंपली ये कॉपी करके आपने अपने चीकू ऐप में पेस्ट करना है। तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो चीकू ऐप में आप अपना कोड डाल देंगे डोमेन वेरिफिकेशन का, उसके बाद जो है वो आप वेरीफाई डोमेन करेंगे, तो आपके सामने जब आपकी डोमेन वेरीफाई हो जाएगी तो इस तरीके का एक ओवरव्यू आ जाएगा कि डोमेन का नाम आ रहा होगा और लिखा होगा इज़ वेरीफाइड। तो सेशन को एंड करते हैं, बाकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं हमारी कंप्लीट आज की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।